सर, कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह कैलकुलेट किया जाता है और कितनी सीरीज में कैलकुलेट किया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पर इस बात की भी हम कैलकुलेशन चेक करेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी प्रकार की सीरीज में कैलकुलेट किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए इंडिविजुअल सीरीज का इस्तेमाल किया जाएगा। इंडिविजुअल सीरीज के लिए हमारे पास जो डाटा दिए होते हैं वो इस फॉर्म में दिए होते हैं, 4, 8, 12, 16, 18, 20, लाइक दिस। इस तरह से हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। ये इंडिविजुअल सीरीज है। इसके लिए यहाँ पर हम फॉरन एक्स स्क्वायर मेंटेन करेंगे तुरंत। 4 का 4 में मल्टीप्लाई करिए, 4 जा 16, 8 जा 64, 12 के 12 में करेंगे 144, और 16 का 16 में मल्टीप्लाई करेंगे 256, 18 का 18 में करेंगे 324, एंड 20 × 20 = 400। इन दोनों का टोटल कर लेंगे, सिग्मा एक्स इक्वल टू एंड सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल टू। दोनों को कैलकुलेट करने के बाद ये देखेंगे कि दोनों का टोटल कितना हुआ। अगर हम इधर वाला टोटल करते हैं, 4 + 8 + 12 + 16 + 18 + 20 = 78। उसके बाद इस साइड का टोटल करेंगे एक्स स्क्वायर का, 80 + 144 + 256 + 324 + 400 = 1204। इस प्रकार से दोनों अमाउंट का टोटल हो गया। इसके बाद हम स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लगाएंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर करेंगे और इन सब पर रूट लगा देंगे। इनकी वैल्यू पुट करते हैं, देखेंगे इनकी वैल्यू पुट करके 1204 अपॉन एन है इनकी संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखेंगे, माइनस सिग्मा एक्स की वैल्यू 78 अपॉन एन है 6, इनको सॉल्व करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, 1204 को 6 से डिवाइड करेंगे, 266 यानी 67 कर देंगे इसको अप्रोक्स में, और 78 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 13। इस पर स्क्वायर भी लगा है, स्क्वायर नहीं भूलेंगे, 13 पर स्क्वायर लगेगा और इन सब पर रूट। 200.67 माइनस 13 का स्क्वायर करेंगे 169 यानी कि 169। 200.67 माइनस 169 31.67, इसका रूट काटेंगे तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन प्राप्त होगा 5.627 यानी 63 कर देंगे अप्रोक्स में। ये इंडिविजुअल सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन था। इसमें हम देखेंगे किस तरह से हमने इसको कैलकुलेट किया है। स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिविजुअल सीरीज में इसी तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे डिस्क्रीट सीरीज में। इंडिविजुअल सीरीज की पहचान है, इसमें सिर्फ सिंगल डाटा ही हमें मिलेगा, एक्स के फॉर्म में लिखा होगा, इसको असेंडिंग डिसेंडेंट ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है, न इसको आरोही क्रम में डालना है न ही अवरोही क्रम में डालना है। जिस क्रम में ये जिस सीरीज में लिखा है इसको इसी सीरीज में डाल के, इसी सीरीज में लिख करके इसको कैलकुलेट करना है। नो असेंडिंग नो डिसेंडिंग, कोई ऑर्डर इसमें मेंटेन नहीं करना है,
इंडिविजुअल सीरीज के जितने भी हमारे पास डाटा जो कैलकुलेट करने के लिए अवेलेबल होते हैं उनको उसी सीरीज में जैसे दिया होता है ऐसे ही लिख के सॉल्व करते हैं। इस प्रकार से हमने इंडिविजुअल सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन आसानी से कर लिया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके लेटेस्ट अपडेट लेते रहिए। अगली वीडियो हम बनाने चल रहे हैं जिसमें हम डिस्क्रीट सीरीज में कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन करते हैं उसको समझेंगे। सीखते हैं इंडिविजुअल के बाद डिस्क्रीट सीरीज में किस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन की जाती है। हमारे पास जो प्रॉब्लम मौजूद होगा वो इस तरह से मिलेगा, एक्स और एफ के रूप में मिलेगा। ये x हो गया और इसके साथ में f की जो सीरीज मिलेगी फ्रीक्वेंसी 3, 5, 8, 9 या 10 कुछ भी हो सकता है, यह एक एग्जांपल है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसी तरह से हमें x और f के सीरीज में इंडिविजुअल सीरीज में इंफॉर्मेशन मिलेगी और इस इंफॉर्मेशन के बाद हमें अगला स्टेप क्या अपनाना होगा। x का हम फौरन स्क्वायर करेंगे इस तरह से, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 का 4 में करेंगे 16, 6 का 6 में करेंगे 36, 8 का 8 में करेंगे 64, 10 का 10 में करेंगे 100, 12 का 12 में करेंगे 144। हालांकि हमें x स्क्वायर के टोटल की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हम f की मल्टीप्लाई एक बार x में करेंगे और f की मल्टीप्लाई एक बार हम x स्क्वायर में करेंगे, तो हमारे पास दो प्रकार के आंकड़े मौजूद हो जाएंगे, दो प्रकार की सीरीज तैयार होगी, एक तो एफ एक्स और एक एफ एक्स स्क्वायर। देखेंगे और इनको चेक करेंगे, 2 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3 एफ एक्स के लिए, f × x 2 × 3 = 6, 4 × 5 = 20, 6 × 8 = 48, 8 × 10 = 80, 10 × 8 = 80 और 12 × 2 = 24। फिर हम f की मल्टीप्लाई x स्क्वायर में करेंगे 3 × 4 = 3 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 5 की 16 में करेंगे 80, 36 का 8 में करेंगे 36 × 8 = 288 और 10 का 64 में करेंगे 640, 8 का 100 में करेंगे 800 और 2 का 144 में करेंगे 288। हमें यहाँ पर इन दोनों की ज़रूरत है, एक सिग्मा एफ एक्स की ज़रूरत है और सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर की ज़रूरत है। इन दोनों की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और f की वैल्यू हम चेक करेंगे, जिसे f के टोटल को n बोलते हैं। आखिर n है कितना, 8 × 2 = 10, 10 × 20 = 28 और 8 = 36, n की वैल्यू 36 प्राप्त हो गई। इसके बाद हमारा अगला स्टेप होगा, हम फार्मूले यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा एफ एक्स अपॉन n का होल स्क्वायर और इन सब पर रूट। इस तरह से ये फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, टोटल करके चेक कर लेते हैं आखिर इनकी वैल्यू क्या हमें प्राप्त हुई। 26, 48, 80, 160 हो गया प्लस 24, 258 और इसकी वैल्यू जो हमें प्राप्त हुई है वो कितना प्राप्त हुआ है, 12 प्लस 80 प्लस 288 प्लस 640 प्लस 800 प्लस 288, इस तरह से 20,108। इनकी वैल्यू को हम पुट करेंगे, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 2,108 अपॉन f का टोटल n होता है 36 माइनस एफ एक्स अपॉन n, एफ एक्स की वैल्यू है 258 अपॉन 36 और इसका स्क्वायर और इन सब पर रूट। डिवाइड करेंगे
2108 upon 36 इक्वल टू 58.56। 555 बहुत लंबा है, जिससे 56 कर देंगे अप्रोक्स में। और 258 को यदि 36 से डिवाइड करेंगे तो 7.167 इतना प्राप्त होगा। इसका स्क्वायर करना है हमें, इसका स्क्वायर करेंगे तब इसमें से माइनस करेंगे। 58.56 और इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 7.167 का स्क्वायर करेंगे तो 51.365 या 37 अप्रोक्स में कर देंगे। फिर इसको हम माइनस करेंगे, 58.56 माइनस 51.37 इसकी वैल्यू आती है 7.19। इसका हम रूट काटेंगे और रूट काटने के बाद इसकी वैल्यू आएगी 2.68। ये हमारा आंसर है। ये डिस्क्रीट सीरीज में हमने किस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन की है, इसको हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अपने यार दोस्तों को हेल्प के लिए इसको शेयर कर दीजिए, और अपने कमेंट में अपनी प्रॉब्लम ज़रूर लिखिए, क्योंकि जिन बच्चों के कमेंट में उनकी प्रॉब्लम आ रही है उसके अकॉर्डिंग भी हम वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की जो वीडियो है इसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन कंटिन्यूअस सीरीज में कैलकुलेट करना सीखेंगे, और देखेंगे कंटिन्यूअस सीरीज में किस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन की जाती है। तो आइए लेते हैं एक प्रॉब्लम और उसके अकॉर्डिंग हम सीखेंगे। हमारे पास जो कंटिन्यूअस सीरीज होती है उसके जो प्रॉब्लम होती है वो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी के रूप में हमारे सामने मौजूद होती है। इस तरह से 0 से 10 ये क्लास इंटरवल ऐसे ही मिलता है, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50 इस तरह से, और साथ में मिलता है फ्रीक्वेंसी 2, 4, 8, 6 एंड 2। इस तरह से हमने इंफॉर्मेशन गेट किया है, और ये हमने कंटिन्यूअस सीरीज में एक एग्जांपल के तौर पर क्वेश्चन अडॉप्ट किया है और इसको हम चेक करेंगे। सबसे पहले इसमें हम x की कैलकुलेशन करेंगे। x क्या है? x होता है क्लास इंटरवल के इन दोनों को जोड़ करके आधा कर लेंगे, यानी 0 और 10 को जोड़ने पे 10 आया, 10 का हाफ कितना हुआ 5, 10 और 20 जोड़ेंगे 30 हुआ, 30 का आधा यानी कि हाफ 15 हुआ, और इसी प्रकार से इन दोनों टोटल आधा होगा 25, 35 एंड 45। इसके बाद जैसे हमने डिस्क्रीट सीरीज में x का स्क्वायर किया था, ठीक उसी तरह से इसमें भी x का स्क्वायर करेंगे। फाइव का फाइव में मल्टीप्लाई करेंगे 25, 15 का 15 में करेंगे 225, 25 का 25 में करेंगे 625, 35 का 35 में करेंगे 1225, 45 का 45 में करेंगे 2025। जैसे हमने डिस्क्रीट में f की मल्टीप्लाई x में किया था, fx लिया था, और f की मल्टीप्लाई x स्क्वायर में करके fx स्क्वायर निकाला था, उसी तरह से इसमें भी f की x में मल्टीप्लाई करके fx और fx स्क्वायर को फाइंड आउट करेंगे, और इनकी वैल्यूज को हम देखेंगे किसकी वैल्यू क्या हमें प्राप्त होती है। जो हमें आवश्यकता है वो है fx, सिग्मा fx की ज़रूरत है और सिग्मा fx स्क्वायर की ज़रूरत है। तो मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, 5 की 2 इंटू 5 10, 4 इंटू 15 60, 8 इंटू 25 200, 35 इंटू 6 210, 90, और इस प्रकार से f और x स्क्वायर की भी मल्टीप्लाई करेंगे,
चेक करेंगे कितना प्राप्त होता है, 25 × 2 50 हो गया, 225 × 4 ये 900 हो गया, 625 × 8 ये 5000 हो गया, और 1225 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7350, और 2 की मल्टीप्लाई 2025 में करेंगे 4050। इस प्रकार से हमने देख लिया मल्टीप्लाई हो चुकी है, इसके बाद अब हमारे पास सिर्फ टोटल करने का काम बचा है। इसके बाद फार्मूला लगाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। इसको जोड़िए, पहले इस लाइन को जोड़ते हैं, 60 + 10 = 70 + 200 + 210 + 90 = 570, और इधर वाला टोटल होता है 50 + 900 + 5000 + 7350 + 4050 = 17350, 17350। इसके बाद हम फार्मूला लगाएंगे। इसका फार्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू सिग्मा एफएक्स स्क्वायर, वही फार्मूला जो इंडिविजुअल सीरीज में था, अपॉन एन माइनस सिग्मा एफएक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर और इन सब पर रूट। अब वैल्यू पुट करेंगे, अच्छा एन कितना होगा, एफ का टोटल ही हमेशा एन होता है, ये कभी मत भूलिए, 4 × 2 = 6 और 8 × 4 = 6 = 20 / 22 एन इक्वल टू 22। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 17350 / 22 - 570 / 22 होल स्क्वायर में और फिर रूट में पुट करेंगे, चेक करते हैं क्या वैल्यू प्राप्त हुई। सिग्मा एफएक्स स्क्वायर ये रहा, एन यहाँ से लिया, 5 इसकी वैल्यू ये हो गई, तो यहाँ से ले लिया 22 एन हो गया। इसको सोल्व करते हैं, 17350 / 22 = 78 यानी 788.64 अप्रोक्स में 7788.64 माइनस 570 / 22 = 25.9 पर हम स्क्वायर लगाएंगे और फिर रूट। इसके बाद अगला स्टेप, इसको और आगे बढ़ाते हैं, 788.64 माइनस, इसका स्क्वायर करने पर हमें प्राप्त होता है 670.81। इसको और आगे बढ़ाएंगे, माइनस कर देते हैं, 788.64 माइनस 670.181 ये हो गया 117 यानी कि 117.83। इसका हम रूट काट देंगे और इस वक्त हमारे पास इसका आंसर मौजूद हो गया 10.85 आंसर। तो इस प्रकार से आपने देखा, इस प्रकार से डिस्क्रीट सीरीज भी हमने देख लिया, इंडिविजुअल भी देख लिया, कंटिन्यूअस भी देख लिया, और बहुत कम समय में हमने इसको चेक कर लिया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर सकते हैं, और शेयर करिए और अपने यार दोस्तों को इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइए और उनका भी भला करिए। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो और इसको बहुत क्लियरिटी देने की हमने कोशिश की है, और अपने कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ऐसी मुझे बहुत उम्मीद है, और अपने कमेंट में अपनी प्रॉब्लम ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।